यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के लिए विदेश भ्रमण के दौरान आज फ्रैंकफर्ट जर्मनी में उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी व लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने भारतीय प्रवासियों से मुलाकात और निवेश प्रोत्साहन अभियान शुरू किया। मंत्री नंदी और मंत्री जितिन प्रसाद ने फ्रैंकफर्ट में विभिन्न क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के CEO, चेयरमैन व अन्य प्रमुखों से मुलाकात कर नए भारत के नए उत्तर प्रदेश एवं देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनने जा रहे उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। कल फ्रैंकफर्ट जर्मनी पहुंचने के बाद मंत्री नंदी और मंत्री जितिन प्रसाद ने फ्रैंकफर्ट में रह रहे और भारत का नाम रोशन कर रहे भारतीय उद्योगपतियों व उद्यमियों से भेंटवार्ता की एवं रात्रिभोज कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस दौरान उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास एवं निवेश की असीम संभावनाओं पर चर्चा हुई। शुक्रवार को मंत्री नंदी और मंत्री जितिन प्रसाद ने फ्रैंकफर्ट जर्मनी में प्रवास के दौरान मोबिलिटी सेक्टर की महत्वपूर्ण कंपनी मदसन ग्रुप में भ्रमण कर उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा के साथ ही उत्तर प्रदेश में मोबाइल सेक्टर में निवेश और विकास के लिए आमंत्रित किया। मंत्री नंदी और मंत्री जितिन प्रसाद ने इंडस्ट्रियल वाल्व रेगुलेटर्स की प्रमुख निर्माता एवं वितरक कंपनी सैमसंग एजी के CEO से मुलाकात कर उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। सैमसंग एजी कंपनी की 1907 में स्थापना से लेकर लगभग 100 सालों से भी अधिक की विकास यात्रा रही है। ग्लोबल मार्केट में सैमसंग के प्रोडक्ट्स की हाई क्लास क्वालिटी और टेक्नोलॉजी की अलग पहचान है। कंपनी के CEO को बताया गया कि उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। उद्योगों की स्थापना से संबंधित विभिन्न प्रोडक्ट्स की प्रदेश में भारी मांग है। ऐसे में आपके प्रोडक्ट्स के निर्माण और वितरण के क्षेत्र में प्रदेश में असीम संभावनाएं मौजूद हैं। मंत्री नंदी ने कहा कि भारत व जर्मनी के मध्य व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध बेहद प्राचीन एवं मजबूत है। दोनों ही देशों के बीच भारी मात्रा में आयात व निर्यात की द्विपक्षीय आर्थिक निर्भरता है। उत्तर प्रदेश एक राज्य के रूप में भारत की सबसे तेजी से उभरती हुई इकोनॉमी है। मंत्री नंदी ने कहा कि हमारे विजनरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा एवं हार्डवर्किंग व कमिटेड चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी की लीडरशिप में हमारी गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 trillion इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मंत्री नंदी ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 इस दिशा में एक माइलस्टोन साबित होगा। मंत्री नंदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। उद्योगों की स्थापना से संबंधित विभिन्न प्रोडक्ट्स की प्रदेश में भारी मांग है। ऐसे में आपके प्रोडक्ट्स के निर्माण और वितरण के क्षेत्र में प्रदेश में असीम संभावनाएं मौजूद है। इन अवसरों और संभावनाओं के भरपूर उपयोग में आपकी कंपनी और उत्तर प्रदेश के साझा हित शामिल है। हम आपसी तालमेल, समझ और सहयोग के माध्यम से इस दिशा में आगे बढ़े, हमारी आज की विजिट का यही उद्देश्य है। मंत्री नंदी ने निवेशकों से कहा कि यूपी में आपके इन्वेस्टमेंट से दोनों ही देशों के व्यापारिक संबंधों को नई मजबूती मिलेगी। मंत्री नंदी ने निवेशकों से कहा कि हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी की ओर से आपको GIS 2023 में आमंत्रित करने के लिए यहां उपस्थित हैं। हम उत्तर प्रदेश में आपके व्यापारिक हितों के प्रसार एवं निवेश के लिए आपको इन्वाइट करते हैं। हमारी गवर्नमेंट और उसके सभी ऑफिशियल्स आपकी हेल्प, असिस्टेंस और कोऑपरेशन के लिए हर समय उपलब्ध रहेंगे, यह आपको भरोसा दिलाते हैं।